आज ही हैप्पी टीचर्स डे। हाँ भाई हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? हाँ भाई हैप्पी टीचर्स डे। आप हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? हाँ भाई हैप्पी टीचर्स डे, क्या हाल चाल है? हाँ भाई हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? माइनर क्या बापड़ा? माइनर माया के इस संडे को। ये फोटो किसका है, आपका है? किसने बनाया भाई? बायो के बच्चे से फोटो बना देते हैं क्या? सब ठीक हो? तो वैसे माइनर कौन सा होगा अपना? आप पांच होगा। तो हैप्पी हैप्पी हो? यस सर। राजी राजी हो? यस सर। आप हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? आओ चलो। खुश होना, देखो मैं एक ही बात कहता हूँ, यदि मन से किसी काम को किया जाए तो 250 नंबर का मनमोहन देवड़ा 700 नंबर लेके आता है। तब पता कितने बच्चे स्वीटी डाका जो है ये स्टार्ट 400 से हुई थी, एक ड्रॉप किया फिर नहीं और फिर लिया फिर कोले छोड़ के आई आज आपके, और सारा भी खेल विश्वास का है। ओजल मेरे पे विश्वास नहीं करती, आज फरीदाबाद में होती विश्वास की, आज दिल्ली एम्स है। आप हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? हाँ भाई हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? 11th के बच्चे हो गया? हाँ भाई खुश हो? हैप्पी हैप्पी। चारों लोग संतुष्ट हो? बढ़िया। कौन सी क्लास है? हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग? हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो? वैसे हमारे मनोज से रात को बात होगी थी, मनोज वैसे मैं ज्यादा स्टूडेंट रहा इसका, रात को मेरे पास 12:01 पे फोन आ गया था, ताली बजाए हमारे लाडले स्टूडेंट के लिए। हैप्पी टीचर्स डे, कैसे हो सब लोग?
हैप्पी हैप्पी हो। ताली बजाओ जोरदार से। सब एक साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा जो बोले सो निहाल, तुम क्या कहोगे? सत श्री अकाल। जान दो, जो बोले सो निहाल। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को हमने तो खुदा माना,
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कब है? तो 8 को क्या है? हैप्पी टीचर्स डे। कैसे हो सब लोग भाई? ये क्लास जोरदार है। हैप्पी टीचर्स डे। कैसे हो सब लोग भाई? अपना कितने माइनर होंगे? हो गए। छठा माइनर कब है? तो 12 टेस्ट होने और आपका सितंबर में छठा टेस्ट हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 11th का कोचिंग लेवल स्कूल लेवल पे फाउंडेशन लेवल पे 6 माइनर का मतलब बेटा 50% सिलेबस पूरा हो गया। इससे बड़ी कोई बात नहीं। आज ही हैप्पी टीचर्स डे। कैसे हैं सब लोग? एम्स को पता 3 बच्चे पहुंच गए अपने स्वीटी और ओजर के साथ एक बच्चा और पहुंच गया। टीचर्स डे। टीचर का मतलब ये नहीं कि जो हमें किताब पढ़ाते हैं
जिंदगी में सबसे पहले टीचर किसको बोलते हैं? माँ को। सब कुछ माँ ने सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया। सबसे पहले आपके घर में आपके माता पिता से बड़े जो उनको प्रणाम करो, जो उनसे बड़े दादा दादी जो भी परिवार में, नाना नानी, वो भी शिक्षक रहे हमारे। फिर माँ पिताजी के जो पीढ़ी है, चाचा ताऊ, उस पीढ़ी को प्रणाम करें। उस पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में जो आपसे बड़ा बहन भाई, वो भी टीचर है, उसने आपको पक्का सिखाया है। बड़ी दीदी या बड़ा भाई है तो फोन पे की बात कहता, भाई ठीक पढ़ना तो टीचर होगा हमारे लिए। आंखें खोले, अब हम स्कूल में चलते हैं। याद करो अपनी प्री प्राइमरी, या हमारे टाइम तो कच्ची पक्की पहली बोलते थे हम लोग, वो स्कूल, स्कूल का रूम याद करो जहां पहली बार स्कूल गए थे। वो याद नहीं है तो फिर आप उनको भूल गए, मैं भूल जाऊंगा। वो क्लासरूम या स्कूल याद करो, वो लंच बॉक्स याद करो, वो बहती हुई नाक याद करो जब ऐसे। फिर आप फर्स्ट पे आओ, फिर सेकंड क्लास पे आओ, फिर प्राइमरी स्कूल तक जहां पढ़े उन सबको याद करो, उनको प्रणाम करो। प्राइमरी सेक्शन तक एक उस टीचर को प्रणाम करो जो आपको आज भी याद है, वो तेरी है। मेरे को पूछे कोई कि प्राइमरी सेक्शन टीचर तो मुझे आज भी याद है, 6-7-8 आज भी याद, 9-10 के आज भी याद। तो प्राइमरी सेक्शन तक जिस बंदे जिसके जिसकी जिसका चेहरा आपके दिमाग में, याद नहीं करना होता, चेहरा दिमाग में आ जाए, प्रणाम करो उनको। फिर 6-7-8 तक जहां पढ़े उसमें कोई एक टीचर पक्का होगा जिसका चेहरा आपको याद होगा। फिर 9-10 के टीचर्स पे आओ, 11-12 टीचर्स पे आओ, फिर आप 12वीं के बाद 8% जो आपको पढ़ा रहे हैं उन चारों को प्रणाम करो, जो चारों आपके लिए सम्माननीय है, चार टीचर पास मारते हैं। मैं एक ही बात कह सकता हूं, जब तक अपनों का सम्मान देते रहोगे दुनिया तुम्हें सम्मान देती रहेगी, और जिस दिन अपनों का सम्मान देना तुम बंद कर दोगे दुनिया तुम्हें सम्मान देना बंद कर देगी। बोलाजी को देख के तो मुझे कई बार बहुत यार, बोला हमारे पास आया था, छोटा सा था, कितनी उम्र थी उसमें? 25 साल का आया था। अब इसका बेटा के हाथ में पड़ता है सिलसिले में। तो कोई ये होता है, मैं एक बात कहूं आपको, जो बात चल रही थी, क्या आपकी सीएस कोरोना के बाद पिछले दो सेशन निकले हैं, आप सब जानते हैं कि सीएलसी का साहिल और समर के बाद जो मैनेजमेंट का जो पार्ट स्मूथ हुआ हमारा, आपको पता है कि पिछले दो साल में 98% हमारी टीचिंग फैकल्टी सीकर का एकमात्र सीएलसी है, इसका 98% स्टाफ जो है कंटिन्यू काम कर रहा है, निश्चित रूप से वो आपके पर डेडिकेशन है उनका।
Something.